केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिग्गज शायर और गीतकार जावेद अख्तर अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। किसी भी मुद्दे पर बात करनी हो तो वो अपनी राय को खुलकर रखते हैं। हाल ही में गीतकार ने राम भगवान और सीता माता पर अपने विचार रखे जो अब सुर्खियों में है। मौका था राज ठाकरे द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम का, जिसमें जावेद अख्तर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान राम और सीता न केवल हिंदू देवी देवता हैं, बल्कि भारत की संस्कृति विरासत है। जावेद अख्तर ने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि भले ही वो नास्तिक हैं, लेकिन राम और सीता को इस देश की संपत्ति मानते हैं और इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रामायण हमारी सांस्कृतिक विरासत है। गीतकार ने आगे कहा कि उन्हें राम और सीता की भूमि पर जन्म लेने पर गर्व है और हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं तो राम और सीता ही याद आते हैं। अपनी बात करते हुए जावेद अख्तर ने लोगों से जय सिया राम के नारे लगाने को कहा। उन्होंने लखनऊ में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि बचपन में वो ऐसे लोगों को देखते थे जो अमीर होते थे और वो गुड मॉर्निंग कहते थे, लेकिन सड़क से गुजरने वाला एक आदमी लोगों का स्वागत जय सिया राम कहकर करता था। उन्होंने कहा, इसलिए सीता और राम को अलग अलग सोचना बिल्कुल पाप है। सिया राम शब्द प्रेम और एकता का प्रतीक है। सिया और राम को सिर्फ एक ने ही अलग किया, वो था रावण, तो इनको जो अलग करेगा वो रावण होगा। उन्होंने आगे लोगों से जय सिया राम के नारे लगाने के लिए कहा कि आप मेरे साथ 3 बार जय सिया राम कहें। जावेद अख्तर ने इस बात पर भी जोर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी कैसे कम हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने आज शोले का वो सीन लिख रहे होते जिसमें हेमा मालिनी धर्मेंद्र को पीछे खड़ा करके मंदिर जाती हैं, तो आज वो और सलीम खान वो सीन नहीं लिखते, क्योंकि आज के समाज में अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो आप समझ जाएंगे कि अज्ञानता बढ़ गई है। उन्होंने आगे कहा कि अतीत में कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा असहिष्णु थे, लेकिन हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं के बारे में खास बात यह है कि उनके दिल में हमेशा महानता थी, लेकिन अगर आप इसे खत्म कर देते हैं तो आप दूसरों की तरह बन जाते हैं। आपने जिस तरह से जीवन जिया वो हमने सीख लिया है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस धरती पर पैदा होने पर फक्र है। जावेद अख्तर ने कहा कि भारत से निकले तो भूमध्य सागर तक कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। यहां लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यहां जो जैसा चाहे वैसा सोच सकता है। जो मूर्ति पूजक है वो भी हिंदू है, जो मूर्ति पूजक नहीं है वो भी हिंदू है, जो एक देवता को मानता है वो भी हिंदू है, और जो सभी देवी देवताओं की पूजा करता है वो भी हिंदू है, जो किसी की पूजा नहीं करता है वो भी हिंदू है। हिंदू संस्कृति हमें लोकतांत्रिक मूल देती है, इस कारण ही भारत में लोकतंत्र जिंदा है। क्या कुछ कहा जावेद अख्तर ने, देखिए उनके इस बयान में। यही सही तरीका था लिखने का, तो चाहे तुलसीदास जी लिखे या कोई, अगर सही रास्ता पकड़ना है तो यही है। मुझे मालूम ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया और वो बड़ा लोगों ने पसंद किया, बड़ा चला, तो मैं एक अजीब सा संबंध अपना फील करता। ये हमारे संस्कृति में और भी डेटिव है, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान में आते। एक अध्यात्म रामायण 15वीं सदी में, समझिए 100-125 साल पहले रामचरितमानस से लिखी गई थी, उसमें एक दृश्य है कि जहां सीता जी को रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्यों चल रहे, कहां तुम जंगल में जाओगी, तुम यहां रहो में आ। ये तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जय सिया सिया और राम को अलग से भेद नहीं किया, उसका नाम था रावण। जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नजर लगाएंगे, जय सिया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।